नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की पांचवी राशि अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट से। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो धनु राशि के अंदर होगा। 14 जनवरी 2021 तक राशि से पंचम स्थान में चलने वाले सूर्य मध्यम फलदायी हैं। मध्यम फलदायी क्यों बोलेंगे? क्योंकि पंचम स्थान के अंदर जो सूर्य है ये बहुत उग्र ग्रह हैं, जिसके कारण क्या होगा कि खास करके आपको संतान के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, आपके मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातकों के लिए भी समय शुभ नहीं होगा। फिर भी जो मघा नक्षत्र वाले जातक हैं इनके लिए सूर्य शुभ फलदायी है 11 जनवरी तक, क्योंकि आपके लिए संपत्ति तारा के अंदर होंगे। और उसके बाद जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चलेंगे तो पूर्व फाल्गुनी वाले जातकों के लिए शुभ बनेंगे, और मघा के लिए विपत नक्षत्र में चलेंगे। तो 11 से 24 जनवरी का जो पीरियड है वो मघा नक्षत्र वाले स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, और उसके बाद 24 जनवरी से 6 फरवरी का जो पीरियड रहेगा 2021 में, वो उसमें पूर्व फाल्गुनी में जन्मे हुए जातक स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लिए सूर्य विपत नक्षत्र में चलेंगे। तो सूर्य का भ्रमण 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और चलेंगे मकर राशि के अंदर। राशि से छठवें स्थान के अंदर गुरु शनि के साथ सूर्य का जो भ्रमण होगा ये आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाला होगा, सरकार से लाभ करने वाला होगा, पिता से लाभ करने वाला होगा, और हेल्थ में भी आपके इम्प्रूवमेंट करने वाले होंगे। 14 जनवरी को सुबह 8:15 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और चलेंगे मकर राशि में। तो मकर, इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ओवरऑल सब संक्रांति के अंदर कुछ भी दान पुण्य मंत्र करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है, जबकि मकर संक्रांति में जो कुछ भी आप दान पुण्य मंत्र करते हो इसका आपको 1000 गुना फल मिलता है, विशेष शुभ फल मिलता है। इसलिए संक्रांति काल के अंदर सुबह 8:15 से लेकर सूर्य अस्त तक महत्तम दान पुण्य मंत्र करें, अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करें और सूर्य ग्रह का उपासना दर्शन करें। दिन में 3 बार, सुबह में, दोपहर में, बिफोर सनसेट सूर्य उपासना बढ़ाए, क्योंकि आपके राशि के मालिक हैं, आपके राशि के अधिपति देव सूर्य हैं। तो सूर्य आपको ये मंथ के अंदर शुभ फल देने वाले होंगे, रोग शत्रु पर विजय देने वाले होंगे। प्रिडिक्शन में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल का भ्रमण भाग्य स्थान के अंदर है, मेष राशि के अंदर मंगल भाग्य स्थान में भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। मंगल अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि 22 जनवरी तक अश्विनी में है, मध्यम फलदायी है। 22 तारीख के बाद मंगल चलेंगे भरणी नक्षत्र में, जो ट्रांजिट खास करके मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। और बुध ग्रह का भ्रमण कुछ इस प्रकार है। बुध जो है ये धनु राशि के अंदर है और 4 तारीख को बुध आ जाएंगे इसमें मकर राशि के अंदर, और 4 से लेकर 25 तक बुध चलेंगे मकर राशि के अंदर, और 25 तारीख को बुध कुंभ राशि में चलेंगे। तो बुध जो है वो आपके 11वें स्थान के मालिक हैं। बुध का भी भ्रमण शुभ रहेगा, आपके लिए रोग शत्रु पर विजय देने वाला होगा, और मामा मौसी की ओर से भी आपको बेनिफिट रहेगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, बिजनेस में, करियर में प्रोग्रेस होगा। तो लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र ग्रह का भी ट्रांजिट आपके लिए कुछ इस प्रकार है। शुक्र चौथे स्थान के अंदर है और 3 तारीख को ये धनु राशि के अंदर पंचम स्थान में चलेंगे, तो ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ रहेगा। और उसके बाद 27 तारीख को मकर राशि में चलेंगे, यानी कि पूरा मंथ जो है वो शुक्र आपके पंचम स्थान के अंदर होंगे, जो कि आपको बिजनेस में, करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे, लव मैटर में सक्सेस देने वाले होंगे। तो शनि आपके 6वें स्थान में रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं, गुरु आपके 6वें स्थान के अंदर है, जो भी रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं, बिजनेस में, करियर में इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। 12वें स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण रोग शत्रु पर विजय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन
आपका सेविंग जो है बचत में भी वृद्धि होगी और कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होगी। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा वो इस प्रकार रहेगा, 8, 9, 10 जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, राशि से चौथे स्थान के अंदर चलने वाले चंद्र में, केतु के साथ चलने वाले चंद्र में। आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको डेट उसके साथ साथ जो भी जाता हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। इसके बाद डेट केयर करना होगा 18, 19, 20 जिसमें चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के चंद्र राशि से आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं। आठवें चंद्र में भी आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा। उसके अलावा डेट टेक केयर करना होगा 27, 28, 29 जिसमें चंद्र चलेंगे कर्क राशि में, तो कर्क के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का सारांश क्या रहेगा? इस मंथ का सारांश इस प्रकार है कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत शुभ है और ये मंथ भी आपके लिए शुभ है, रोग शत्रु पर विजय देने वाला होगा। और ये मंथ के अंदर खास करके सिंह राशि के अंदर बघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये इनका कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट उठा पाएंगे ग्रहों का। 11 तारीख तक सूर्य संपत है, उसके बाद 22 तारीख के बाद मंगल संपत में चलेंगे। तो मघा नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य है या तो जिनका जन्म का चंद्र है, ये जातकों के लिए फाइनेंशियली आर्थिक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा मंथ के पहले 10 दिन और मंथ के बाद के 10 दिन। बीच वाला 10 दिन टेंशन वाला रहेगा क्योंकि इसमें सूर्य विपत नक्षत्र में चलेंगे। 13 दिन 11 से 24 मघा के लिए विपत है, जबकि पूर्व फाल्गुनी के लिए संपत तारा है। तो यदि आपके कोई मित्र है सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, या तो आप कोई जानते हैं जो कोई आपके मित्र है जिनका जन्म 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में हुआ है, इनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।